सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। राजनीतिक प्रकरण पर हम सीरीज दिखा रहे हैं आपको जिसका नाम है दंगल 2019। कल हम आपको ले चले थे पंचकुला में, आज लेकर चलेंगे अंबाला। अंबाला की जनता क्या कहती है ये आपको दिखाएंगे। नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। MH1 न्यूज की चुनावी यात्रा दंगल 2019 आप पहुंची है अंबाला में। वो अंबाला जो अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है और माना जाता है कि उसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। वो अंबाला जिसे साइंस सिटी भी कहा गया और वो अंबाला जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता था। लेकिन आज अंबाला के क्या मुद्दे हैं वो जानेंगे। अंबाला की जनता हमारे बीच मौजूद है, अंबाला के प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। असीम गोयल साहब मौजूद हैं, विधायक हैं बीजेपी के। यहाँ पर जसबीर सिंह जी कांग्रेस से हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच अशोक शेरवाल जी मौजूद हैं, जननायक जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच मक्खन सिंह जी मौजूद हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत अंबाला की जनता का हमारे इस खास कार्यक्रम में। असीम गोयल, सबसे पहले सवाल सर आप ही से है, लोकसभा विधानसभा चुनाव के मुहाने पर आप खड़े हैं, क्या कुछ ऐसा किया है जो बदला है, जो बदलाव नजर आया है, ऐसा क्या कुछ किया है आपने? चाहे केंद्र की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो और चाहे अंबाला शहर की बात हो, जो बदलाव इन 4.5-5 सालों के अंदर केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, शहर की व्यवस्था परिवर्तन के अंदर हुआ, वो आज से पहले कभी भी ना केंद्र में हुआ ना प्रदेश में हुआ। चाहे आप केंद्र सरकार के अगर प्रमुख मुद्दे माने, चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम जनधन के नाते DBT जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसको देने की बात करें, चाहे 5 लाख रुपए के ऊपर अभी इनकम टैक्स की रिबेट की बात करें, चाहे डेवलपमेंट के नाते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे और कई सी बातें हैं, मुद्रा योजना है, ऐसी कई बातें जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किया। और चाहे हम प्रदेश के अंदर बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सबसे ज़्यादा लागू करने की बात हो, बिजली 24 घंटे गांव में देने की बात हो, ऑनलाइन ट्रांसफर्स की बात हो, नौकरियां मेरिट के ऊपर देने की बात हो, ये सब व्यवस्था परिवर्तन केंद्र और प्रदेश में हुआ। और इस अंबाला शहर में जहां बहुत से बड़े बड़े, मैं कहना चाहता हूं कि स्वयंभू नेता आए, बहुत से पैराशूटर भी आए और बहुत से लोगों ने यहाँ पर सत्ता की मलाई को चखा, लेकिन जो सेवा का भाव था वो कहीं ना कहीं विकास के नाते अंबाला सबसे पिछड़ा नजर आता था। आज विकास के नाते अंबाला सबसे आगे के मुहाने पे खड़ा है और नई नई योजनाएं रोज, चाहे जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता परेशान थी आज उनको दी जा रही है। ठीक है जसबीर जी, क्या वाकई आम आदमी का जीवन 4.5 साल में बदला है अंबाला में, प्रदेश में? आम आदमी का जीवन हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में संवरने के बजाय, सुधरने के बजाय बिगड़ता जा रहा है। भारतवर्ष के हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ भाजपा ने जो वादे किए थे, झूठ बोल करके जो वोट बटोरने का काम किया था, जहां हमारे बुजुर्गों को यह कह करके कि 2000 पेंशन कर देंगे उनकी वोट बटोरने का काम किया, नौजवान साथियों को बहका करके कि बेरोजगारी भत्ता 6000-9000 रुपये देंगे उनकी वोट को लूटने का काम किया, हमारे सरकारी कर्मचारी थे उनको यह कह करके कि पंजाब के समान वेतनमान देंगे उनकी वोट को लूटने का काम किया, गरीब साथी जो हमारे गांव में बसते हैं, शहर में बसते हैं, उनको यह कह करके कि 15-15 लाख रुपया जो विदेशों से काला धन हम वापस लेकर के आएंगे, आपने सुना होगा। चुनाव से पहले भाजपा के लोग कहते थे 1,80,000 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा है, कभी कहते थे 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम, आसमान लूट लिया, पताल लूट लिया, लेकिन 4.5 साल में एक भी, बोलने दीजिए, 4.5 साल में अगर कांग्रेस पार्टी के एक भी घोटाला सामने आया हो तो मैं आपके सामने ये कहता हूं कि आप सभी साथी इस बात के गवाह हैं। सामने आया है या फिर आप कह रहे हैं कि आपका नहीं आया सामने? नहीं नहीं,
ऐसा है, साढ़े चार साल में उनका सामने नहीं आया है। मैं ये कह रहा हूँ जो कांग्रेस पार्टी, रुकिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी पे भाजपा ने आरोप लगाए थे चुनाव से पहले, साढ़े चार साल में इन्होंने इंक्वायरियां करा ली, कोई 2G स्पेक्ट्रम नहीं, कोई दूसरा घोटाला कांग्रेस पार्टी के बारे में। 2G लाइसेंस तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए ना सर, रद्द तो सुप्रीम कोर्ट ने किए थे ना वो, लेकिन अदालत का फैसला था। चलिए मैं आपके पास, लेकिन भाजपा के लोग कहते थे कि 15-15 लाख गरीब के खाते में डालेंगे, जनधन योजना के खाते खुलवाए थे, तो सबके पास सबको मौका देते हैं। शेरवाल साहब, अंबाला को लेकर ही बात कर ले तो क्या कुछ बदला है यहाँ पर? वो कह रहे हैं बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत आगे आ गया है। देखिए विधायक जी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, जैसे कि इन्होंने जनधन योजना की बात करी, शहर की व्यवस्था बदलने की बात करी, 5 लाख रुपया इनकम टैक्स रेट की बात करी और मुद्रा योजना की बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करी, नौकरी के बारे में बात करी, व्यवस्था के बारे में बात करी। मैं इसी के ऊपर फोकस करना चाहूँगा और खास तौर से अंबाला के बारे में आपने बात करी। बिल्कुल, अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने बात करी है, मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक विधायक जी की बात है असीम जी की, इन्होंने कहा हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी है, लेकिन कितनी बेटियाँ बची हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर? 200 मेरा रिकॉर्ड नहीं है, NCBR का रिकॉर्ड है, उठा करके देख लीजिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर 232% क्राइम रेट हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ चुका है, जगह जगह लूटपाट, डकैती, फिरौती, हत्याएं, बलात्कार, आगजनी की घटनाएं निरंतर प्रदेश के अंदर बढ़ रही हैं। क्या ऐसे बेटियां बचेंगी? क्या ऐसे बेटियां क्या पढ़ेंगी? दूसरी बात इन्होंने कही, संक्षेप में सर मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपने पूरा समय दिया इनको, मेरी भी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपने इनको पूरा समय दीजिए, मुझे भी पूरा समय दीजिए, मैंने सिर्फ एक ही बात रखी है। बोलिए बोलिए, 5 लाख इनकम टैक्स रेट की बात करी, लेकिन इसमें पेच है, लोग तो खुश कर दिए, लेकिन इसका स्लैब रेट क्या रखा है सरकार ने, इसका भी जरा खुलासा कर दीजिए। क्या फायदा हुआ सरकार, क्या फायदा हुआ एक इंप्लाइज को? स्लैब वही है जो 2.5 लाख रुपए का था, 5 लाख के बाद 5 लाख 1 जब यदि होगा तो वही स्लैब सिस्टम है, उतना ही देना पड़ेगा। 5 लाख तक वाला तो फ्री हो गया ना सर, कहा स्लैब सिस्टम तो बदलिए, स्लैब सिस्टम तो बदलिए, किसी को बेनिफिट देना है? इसकी आमदनी केवल आंखों में धूल झोंकने वाला काम है भाई, जिसकी आमदनी 40,000 रुपए तक है वो तो फ्री हो गया ना सर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज कपड़ा मार्केट में हम खड़े हैं, इन्होंने अपने चुनावी वायदों में कहा था, क्योंकि कपड़ा मार्केट में खड़े हैं तो कपड़ा मार्केट की बात भी हो जानी चाहिए, इन्होंने कहा था हम क्लस्टर लाने का काम करेंगे, 4 साल 4.5 साल 5 साल होने को जा रहे हैं, क्या कपड़ा मार्केट के लिए, इन व्यापारियों के लिए क्या क्लस्टर व्यवस्था क्या आज तक इन्होंने कायम करी है? नहीं करी है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि नौकरी देने का काम करेंगे, नौकरियां सभी ने देखा किस प्रकार से SS बोर्ड एक दलाली का अड्डा आपके सामने हुआ, किस प्रकार SS बोर्ड के चेयरमैन दलाली में फंसे गए। अब आगे चले आता हूं, देखिए मैं मुझे वापस आना ना सर, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं, सवाल का जवाब लूंगा ना सर, मैं सारा वक्त आपको नहीं दे सकता। मैं मेरी बात सुनिए, क्रिस्प रखिए मेरी बात सुनिए, क्रिस्प रखिए। और हरियाणा यदि अंबाला की बात करें जी, यहाँ पर इतनी ट्रैफिक व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, यदि हम देखते हैं यहाँ पर ये पुल यहाँ पर बनना था, 5 साल पहले घोषणा होती है, ये जो हिसार के लिए जाता है, क्या आज तक बड़ा है? ठीक है, जवाब ले लूं रेलवे, जवाब ले लूं मैं, बिल्कुल नहीं जवाब ले लूं, रेलवे के लिए URB बनना था, आ जाओ फिर आपके पास आता हूं। बड़ी है मक्कर सिंह जी, हमारा सोलर बदला है, आज तक मैनेजमेंट क्या बन चुका है, कितना बदला है मक्कर सिंह जी, बताइए। गंध के ढेर लगे हैं, सबको मौका देना है सर, सिवरेज की आज व्यवस्था चरमरा चुकी है, ऐसे नहीं ना, सबको मौका देना है। जी जी बोलिए, थैंक यू विधायक साहब, रुक जाइए बोलिए, विधायक साहब ने बात करी कि बहुत परिवर्तन हो गया है, केंद्र से शुरू कर दी इन्होंने बात, के केंद्र से शुरू होके प्रदेश और प्रदेश से लेके अंबाला तक जी। मैं सिर्फ आप विधायक साहब तो यही पूछना चाहता हूं कि अंबाला के लिए नौजवान युवकों के लिए कौन सा आपने उद्योग लगाया? जवाब लेते हैं, एक नंबर एक जी, अंबाला के लिए स्टूडेंट के लिए कौन सा आपने गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाया,
कौन सी आपने पॉलिटेक्निक व्यवस्था बढ़ाई, कौन से ऐसे आपने सरकारी आधारे खोले जहां के प्रशिक्षण हो सके। इनका प्रशिक्षण जरूर देते हैं, बुक्स के अंदर प्रशिक्षण होता है, लेकिन जब हम नेट पे जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि प्रशिक्षण है कहां और वो मिलता ही नहीं। आयुष्मान योजना की बात करी आप, मुझे अभी विधायक साहब अगर मुझे सिद्ध कर दें कि आयुष्मान योजना कहां से पता चलेगा, कौन इसके अंदर लागू है, किसके ऊपर लागू है और किसके ऊपर नहीं लागू है। जब मैं ऑनलाइन सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता हूं, मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन आज एक भी बंदा मुझे, मैंने बीपीएल डाल के देख लिया, मैंने एपीएल डाल के देख लिया, मैंने जनरल डाल के, कोई बंदा ऐसा नहीं जो 5 लाख की योजना के अधीन आया हो। जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते, जवाब दीजिए कि कैसे आयुष्मान योजना के अंदर आप किसको लाभ देंगे, मुझे बता दीजिए। नौकरियों के लिए क्या किया, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया और ट्रैफिक, 3 सवाल आपसे। देखिए जहां तक नौकरी की बात आई, पहली बात तो मुझे लगता है हमारे तीनों साथी ना तो इनको अपना मैनिफेस्टो याद है और बीजेपी का एक हमें तो कल्पित जवाब सर, जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए सर, आप बताते मैंने सुना जब ये बोल रहा था, जब ये बोल रहा था मैं आपको सुना, एक भी वादा पूरा नहीं किया, जब ये दो लोगों के साथ वादे किए थे एक वादा पूरा नहीं किया, आप सुनने का मादा रखिए, आप सुनने का मादा रखिए, ना बेरोजगार को नौकरी दी, आप सुनने का मादा रखिए भाई, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी से मिर्ची लगी यार, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। श्वेत पत्थर जारी कर दीजिए शेरवा साहब, इनके पास कुछ नहीं, आप कमाल करते हो, आप तो मिल नहीं, ऐसे ही वेस्ट करके जाएंगे, जवाब ले ले, ना ये सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। नौकरी लगाई है सरकारी नौकरियों में, ऐसा प्रचार हुआ है, जो खरीद फरोख्त हुई है, नौकरियां नीलाम हुई है, सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में हुई है। आप पहले जसवीर जी, मैं आंकड़े देने लग गया, मैं पैसे तक बता दूंगा कब लिए, मैं बता दूंगा कितने लगे हैं, मैं बता दूंगा, आप लोग आप लोग चर्चा भांजे तक तो छोड़ा नहीं आपने, रुक जाइए रुक जाइए, भांजे तक तो छोड़ा नहीं आपने, आपका सवाल जवाब दे दीजिए, जसवीर जी सुन लीजिए, नाम लो जसवीर जी, हेलो आप नाम लो, जवाब देने दीजिए, नाम लो, मैं दस रुके जवाब देने दीजिए, नहीं रुके जवाब देने दीजिए, एक मिनट ये झूठे रहो, एक मिनट आ रहा हूं ना सर, आप दस सरकारी नौकरी राजनीतिक मुद्दे पे बात करें, जिनका मुखिया मुद्दे पे बात करें, पुराना मुखिया दीजिए, नौकरी में बड़ा नौकरी के नौकरी पे बात करिए, ये सब लोग नौकरी की बात करते हैं, ऐसे नहीं ना, रुक जाइए नौकरी पर जवाब देने दीजिए, रुकिए एक मिनट, रुकिए रुक जाइए, चर्चा चर्चा खराब मत करिए, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए सर, आप प्रूफ दे जाइए, मैं प्रूफ दूंगा, जसवीर जी जवाब ले लूं मैं, चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी ना सर, आप तीनों के सवाल से मुझे जवाब लेना है, मैं जवाब दे अभी शुरू भी नहीं किया, नौकरी पे से मिर्ची लगी सभी नौकरी पे बताइए, रुक जाइए शुरू भी नहीं किया, नौकरी पे जवाब दीजिए सर, रुकिए नौकरी पे जवाब दीजिए, जो नौकरी की नौकरी पे जवाब लेने दीजिए, पहले नौकरी की बात मैं आपके सामने रखूं, एमएलए और विधायक का मंत्री का काम नौकरी देना नहीं होता, पुरानी सरकारों ने नौकरियां दी, पैसे खाके दी, सिफारिशों से दी, मेरा पूरा जवाब सुन ले पहले, जवाब जो जैक किया चेक के नाते नौकरियां लगती थी, ठीक है, और बहुत से मंत्री खड़े होकर स्टेजों पे कहते थे मैंने इस गांव से फलानी सरकारी नौकरी लगवा दी, इतनी नौकरी लगवा दी, लेकिन क्या काबिल आदमी कभी इनकी व्यवस्था में आगे आ पाया, आपको मैं रुक जाइए सर, रुक जाइए रुक जाइए, जसवीर जी आप जवाब ही नहीं देने दे रहे, पहले जवाब लो शेरवाल साहब, जवाब तो लेने दीजिए सर, जवाब लेने दीजिए ना एक बार, तो आपके सवाल है, सुनिए मेरी बात जी, हम देखिए हम ऐसे नहीं आए हैं, एक एक करके एक एक बंदा बोल के जवाब दीजिए, और मेरे सवाल का जवाब दिलाइए, आयुष्मान कौन लागू है, आयुष्मान भी बताऊंगा सर, पूछ रहा हूं, वही पूछा है, सभी बीच में बोल रहे हैं, वही पूछा है, देखिए नौकरी की बात ले लीजिए सर, जवाब तो ले लीजिए, बात दावे से वरुण जी कह सकता हूं, हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, एक बार सुन ले सर, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, आम घर का बच्चा जिसके पास सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, उसको सरकारी नौकरी मिली, नौकरी पेपर लीक हुआ है, चले पब्लिक जेल में, चले रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, पब्लिक के सवाल ले रहे हैं, पब्लिक के पास जाके सवाल लेते हैं,
हमारी सरकार ने व्यवस्था को परिवर्तन का काम किया कौन पास हो गया और आज हमें इस व्यवस्था के पर उनका आयुष्मान भारत का सवाल है सर ऐसा जी इनको ये बता दीजिए 24,000 से 10,000 हूटिंग मत करिए कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा हूटिंग मत करिए रुक जाइए आपको शांत रहिए ऐसा विधायक साहब मुझे ये जवाब दे देंगे आयुष्मान में कौन और उसको कैसे ढूंढ सकते हैं और कौन लागू है 10,000 करोड़ जो आपने किए कहाँ किए लोग धक्के खा रहे हैं जवाब एक आदमी का सवाल एक आदमी को जवाब सुन लीजिए कोई आप ही का एक साथी सवाल पूछ रहे हैं उनको जवाब ही नहीं देने दे रहे आप 200 लोग जवाब तो देने दीजिए सर जवाब देने दीजिए ना एक मिनट जवाब देने दीजिए आप इनको ये किसी की आवाज नहीं जाएगी ऐसे किसी की आवाज नहीं जा रही जसबीर जी ऐसे आवाज ही नहीं जा रही किसी की जसबीर जी ऐसे आवाज नहीं जा रही किसी की एक आदमी बोलेगा आपका सवाल है सर मेरी सुनिए बात सुनिए आपका सवाल मेरी बात सुन लीजिए जी अगर देखिए अगर लड़ाई करनी है तो फायदा क्या इतनी जनता बुलाने का तो मैं तो कह रहा हूँ मैं जवाब सुनिए सवाल है ना आयुष्मान का सुनिए आयुष्मान के साथ साथ इसी से रिलेटेड मैं बात करता हूँ आयुष्मान की बात करी 10,000 करोड़ 80,000 करोड़ जो लोग शामिल होंगे मैं मानता हूँ आप सिविल अस्पतालों की दशा देख लीजिए आप उनकी दवाई कहाँ कराओगे आपके पास इंस्ट्रूमेंट सिविल अस्पतालों की हालत ठीक है पूरे अस्पतालों की हालत ठीक है उन्होंने कार्ड की बात की वो बता दो बताओ सर बताओ 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 बताइए आपको लिस्ट चाहिए मैं दे दूंगा हाँ बताइए दूसरी बात इन्होंने सिविल अस्पताल की जी देखिए सिविल अस्पताल का जो हमारा बजट है 64,85,00,000 का पास हो गया है ठीक बड़ी जल्दी ये 200 से 300 बेड का होने वाला है चौड़ मसपुर की CHC जो इनकी सरकारें रही और वहां डॉक्टर्स ये कहते थे कि हम यहां मरीज को दाखिल नहीं कर सकते उसे चौड़ मसपुर की CHC का पूरा जीर्णोद्धार हुआ रुक जाइए ननियोड़ा के अंदर नई PHC बनी जो हेल्थ सर्विसेज की बात है ये जो बजट पास हुआ है ये जो बजट पास हुआ है 4.5 साल के सोए हुए थे 4.5 साल चलो पब्लिक का सवाल ले रहे हैं सर यहां से हां जी कोई सवाल आपके सामने हां जी आइए एक सवाल ले लेते सर आ रहा हूं एक सवाल ले लेते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जी इन्होंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये चौक बनाया है और उसके ऊपर लाखों रुपए लगा करके अमीषा पटेल को बुलाया और इतने पैसे खर्च किए और आज वो देखो उस चौक के ऊपर लाखों रुपए के पौधे लगाए और हमें भी लगा था कि देखो ये जगमग हो जाएगा लेकिन आज वहाँ पे एक भी पौधा इन्होंने एक सूखे पड़े पौधे जवाब सर जवाब 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 एक जवाब चौक बन चुके सर जवाब तो ले ले सवाल का जवाब जी पहली बात तो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं जी अमीषा पटेल को बुलाने में 1 रुपया नहीं लगा वो मेरी दोस्त है सनाते आई दूसरी बात जो पैसा लगा पेड़ के ऊपर पहले आप सुन लो जरा जी बोलिए पेड़ों के ऊपर पैसा लगा हमने रेलिंग का टेंडर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर जो दिक्कत आई जो जानवर थे उन पौधों को खा गए रेलिंग का टेंडर लगा रेलिंग लगा के दोबारा पौधे लगेंगे सबसे पहले तो किसी ने इन चौकों के बारे में सोचा ही नहीं था और ये तो सोशल चौक है सोशल ठीक है देखिए ये सोशल मैसेज है एक सवाल यहाँ से सर एक सवाल यहाँ से 2004 से लेकर 2014 तक आतंकवादी देश के हर कोने में जाकर आतंकवादी हमला करते थे पिछले 5 साल में वो कश्मीर की सरहद को पार नहीं कर पाए आखिर 10 साल तक हाँ जी जसबीर जी जसबीर जी बैठो रुको बैठ जाइए जसबीर जी मैं जवाब दूंगा जी हमारे प्रधानमंत्री जसबीर जी से पूछा उन्होंने जवाब दूंगा अरे जसबीर जी से पूछा उन्होंने हेलो जसबीर जी से पूछा उन्होंने एक मिनट हमारे प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना कह करके प्रदेश के देश के लोगों के वोट लेने का काम किया लेकिन आज देश की सीमा के ऊपर हमारे सैनिक जो लगातार हर दिन लगातार गोलियां खा रहे हैं संख्या तो बता दो कितने मरे देश की रक्षा के लिए गोलियां जा रहे हैं आज वो बोल लीजिए एक सर के बदले सर करते थे आज वो कहा है भाजपा के लोग चुप बैठे हैं अच्छा सवाल किया है पूरी फिल्म देख लो जसबीर जी आपको पता चल जाएगा प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका क्या मैं आपको फ्री में उड़ी फिल्म दिखा दूंगा जिसने नहीं देखी होगी देख लेना जारी है अंबाला से दंगल 2019 जारी है
काफी गहमा गहमी के बीच सभी प्रतिनिधियों से हम सवाल कर रहे हैं। इस बीच कुछ जनता के सवाल ले रहे हैं, फिर हम वापस लौटेंगे। कुछ जनता के सवाल ले रहे हैं, चुप हो जाइए, आवाज जाने दीजिए। हाँ जी, सवाल पूछिए। मेरा आपसे सवाल है कि आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन सच्चाई आपके सामने भी है कि NHM की कुछ बेटियां अभी भी संघर्षरत हैं सारे प्रदेश के अंदर, तो सरकार ने उसके लिए क्या नीति बनाई है अभी बताइए। गंभीर सवाल है सर, बहुत गंभीर सवाल है, जवाब दीजिए, असीम भी जवाब दीजिए। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है, और वो कोई पॉलिसी के अंदर नया बदलाव जो गलत तरीके से बेटियों के ऊपर असर डाले हमारी सरकार ने आके नहीं किया। कल इनकी डायरेक्टर साहब से मीटिंग थी, वो इनकी मीटिंग फ्रूटफुल नहीं हुई। आज माननीय PM साहब यहाँ थे और ACS साहब से इनकी मीटिंग है कल, और उसके अंदर हमारी सरकार का समेत हमारे सब जनप्रतिनिधियों का, हमने CM साहब से भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी सबसे निवेदन किया है कि जो भी रिलैक्सेशन हम बेटियों को दे सकते हैं जरूर दें। और मैं बार बार, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सवाल एक सोशल नारा है और उसको लेके हमारे कई साथी बार बार उसको राजनीतिकरण करके सवाल करना चाहते हैं। आप कहते हैं जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते क्या हुआ? पुरानी सरकारों के समय जो हरियाणा का सेक्स रेशो 830, 840, 850 होता था, आज हमारी सरकार के समय पहली बार 920 का आंकड़ा पार किया है। हमारे सरकार के समय बेटियां बची हैं, और जो बेटी पढ़ाओ की बात, हमारे यहां 22 प्रशासनिक जिले थे, एक कलम से 22 गवर्नमेंट कॉलेज पास करने का काम किया। हमारे अंबाड़ा का कॉलेज बड़ागढ़ के अंदर नारायणगढ़ में आया था, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारा यहाँ अंबाड़ा शहर का कॉलेज एक सरकारी स्कूल में चल रहा है, और किसी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तुरंत 12 करोड़ रुपए का बजट पास किया और ये 10 सेक्टर के सामने 23 सेक्टर के अंदर उसका निर्माण शुरू हो गया, बेटियों का कॉलेज। जो बात देखिए, बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की होती है, मैं आपको बता दूं, सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया इसी हरियाणा की धरती पे, 12 जिले थे, 100 सबसे उन्होंने कमजोर जिले छांटे जहां सेक्स रेशो सबसे गलत थी, 784 जिले हैं पूरे देश में, 100 सबसे गंदे जिले छांटे, उन 100 जिलों में 12 जिले अकेले हरियाणा के थे। हरियाणा छोटा जिला है, छोटा राज्य है, लेकिन उसके बाद 12 जिले थे और अंबाड़ा भी उनमें से एक था। तो ये मुझे लगा कि ये सोशल मैसेज है, इसको बिना राजनीति के नाते, आप सब पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हैं, बेटियाँ सबकी साझी हैं, बेटियों के ऊपर राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, और इसका सोशल मतलब था। और हमारी सरकार इस मुद्दे को लेके काम करती रहेगी, विरोध हो चाहे साथ मिले, लेकिन बेटियों को आगे लेकर क्या रहा हूं। जसवीर जी, पहले जसवीर जी, हाँ जी, एक एक करके आ रहा हूं कि जो NHM कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं या दूसरे कर्मचारी हैं, क्या वो किसी की बेटियां नहीं हैं? जब वो अपने अधिकार मांगने के लिए स्वास्थ्य मंत्री कोठी जाती हैं, उन्हीं कोई सुनवाई नहीं होती। आज वो सिर मंडवा करके आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे माड़ा हमारे सरकारी जो कर्मचारियों हैं उसका विषय क्या हो? लेकिन आज जहां तक हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनों का सबसे ज्यादा तनख्वाह है पूरे देश में, हरियाणा ऐसा राज्य है सबसे ज्यादा तनख्वाह देने का काम किया, आपकी जानकारी। आप जो चुप रहे, मैं नहीं बोला उन कर्मचारियों को कोई पक्का नहीं कर रहा। बोलिए बोलिए। आज कर्मचारी वर्ग से लेकर के हर वर्ग, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, सरकार के खिलाफ धरने और प्रदर्शन में बैठा है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने कोई वादा लोगों से किया वह पूरा नहीं किया। आज जहाँ शिक्षा की बात है, मैं कहूंगा कि दुर्गा नगर हमारा काउंसलर बैठा है, वहां पर आबादी 15,000 से 20,000 है, लेकिन वहां आज तक +2 का स्कूल भी नहीं है। ठीक है सर, आपके टाइम में था, उसका कारण यह है, आपके 10 साल का क्यों नहीं है सर? मैं कारण बताता हूँ, आपके 10 साल में क्यों नहीं बना? सरकारों में रहे वो ये सवाल पूछ रहे हैं सर, आपके 10 साल में क्यों नहीं बना? एक काउंसलर साहब +2 का स्कूल आपके 10 साल में क्यों नहीं बना? काउंसलर साहब से जवाब ले लो, बोर्ड से जवाब लो, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, अगला बोलिए, सरकारी स्कूल ठीक है। आ रहा हूँ जी, आप बोले हाँ जी, शेरवाल साहब ठीक है, एक मिनट शेरवाल साहब बोलिए, जवाब ले लो, एक जवाब आ रहा हूँ, फिर वो नाराज मैं बड़े इज्जत और मान सम्मान के साथ हमारे पूर्व विधायक जसवीर जी को एक जवाब देना चाहता हूं कि अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं कि आपके नगड़ हलके का इलाका था दुर्गा नगर नसीरपुर, तब के और आज के हालात में कितना बदलाव आया है या नहीं आया, एक बार दिल के हाथ जवाब दे दो जी, फिर आ रहा हूं सर। मैं कहता हूँ जी, बदलाव जो आया है बाद में दिया जाएगा, एक मिनट, बदलाव जो आया है
हमारे विधायक की पोजीशन में आए हैं। पहले क्या पोजीशन थी, आज क्या पोजीशन है? जो भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तरों में, आप जिनका भाई शेरवाल साहब बोलिए, ठीक है, शेरवाल साहब बोलिए, बोलिए, ठीक है सर, शेरवाल साहब बोलिए, शेरवाल साहब बोलिए, शेरवाल साहब बोलिए, शेरवाल साहब बोलिए, ठीक है जसवीर जी, मैंने कहा ना, आप शेरवाल साहब बोलिए। मेरे एक साथी ने बीच में से, एक साथी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि साढ़े चार साल में, पांच साल में कोई भी आतंकवादी देश की सीमा लांघ करके देश में नहीं आया, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी स्वागत करता हूं। लेकिन जो स्वागत करने योग्य बात है तो है, लेकिन दूसरी बात क्या है, मॉब लिंचिंग के बारे में जो हत्याएं होती हैं, उन आतंकवादियों, वो आतंकवादी कहां से आते हैं? इंटरनल जो आतंकवादी देश के अंदर घुसे हुए हैं। दूसरी बात, दूसरी बात, रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं ऐसे मत करिए, हाँ जी बोलिए, रक्षा के नाम पे दलितों को और मुस्लिम को टारगेट बनाया जाता है, वो आतंकवादी कहाँ से आते हैं, उनका कैसे समाधान होगा, वो भी आतंकवादी देश के अंदर घूम रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज प्रदेश के अंदर सर थोड़ा आप गोयल जी ने बोला है ना सर, क्या व्यवस्था बदल चुकी है? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर वर्ग सड़कों पे संघर्ष आंदोलन रहे, आंदोलन कर रहा है, हर कर्मचारी, कोई सभी डिपार्टमेंट सड़कों पे बैठा है। हो गया ना सर, से चुनावी रैली मत बनाइए, ये रैली की जगह नहीं है ना सर। मक्कन सिंह जी, मक्कन सिंह जी, सवाल उठाइए, आप सवाल उठाइए सर, आप बात सुन लीजिए, मक्कन सिंह जी बोलिए। मेरी बात का बड़े दुख की बात है कि विधायक साहब मेरी बात का जवाब नहीं देखे, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। चलो चलो ठीक है, रुकिए रुकिए, जवाब नहीं है आपका, सवाल आपका जवाब, आपका सवाल आपका जवाब, आप मत दीजिए, पूछो सवाल, पूछिए बहुत, देखो जी विधायक साहब बने हैं, बताओ ना मक्खन सिंह, सवाल सर सवाल पूछे, सवाल साहब देखो जी बने हैं, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, देखिए मैं सुन लीजिए, रुक जाइए, रुक जाइए, सवाल सर सवाल सुन लीजिए, सवाल सवाल, जब अंबाला एक टाइलों का शहर कहा जाता है, बड़ा विकास करा, अंबाला एक टाइलों का शहर कहा जाता है, और सुन लीजिए, अब सुनने का मादा भी रखिए, शोर में जाना कोई आप जीत नहीं जाओगे इससे, ठीक है सर, बिल्कुल सवाल 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 सवाल, सुन लीजिए, अब तो बोल लीजिए, शेरवाल जी कमाल कर रहे हैं, शेरवाल जी कमाल कर रहे हैं, सवाल लीजिए, टाइलों का शहर कहा जाता है, बहुत पहले लगी, सवाल सर बढ़िया सवाल है जी, लगी उसी एक जांच कमेटी बड़ी अमाला में, उस जांच कमेटी ने कहा कि बहुत अच्छी ओके रिपोर्ट हो गई, और सेंटर विधानसभा के अंदर असीम गोयल जी को चेयरमैन बना के भेजा गया, उस जांच कमेटी ने कहा है यहाँ धांधली ही धांधली है, उसकी आज तक जवाब, आज तक जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए, आपने जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो, जवाब ले लीजिए, शांत हो जाइए सर, जवाब दीजिए, उसके बाद जनता के पास, उसके बाद जनता के पास, निर्माण ठीक नहीं हुआ, धांधली हुई है, उसका जवाब दीजिए, आपका सवाल जवाब, मक्खन सिंह जी अक्सर ये बात कहते हैं कि सच्चाई, अरे बात तो सुनो, ऐसे मत करिए, क्या कर रहे हैं आप, कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा, हाँ जी जवाब, मक्खन सिंह जी कहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी का दूसरा नाम मक्खन सिंह है, मैं दाद देता हूं कि इन्होंने तो माना कि अंबाला के अंदर विकास हुआ है, ये सच्चाई के लिए दाद देता हूं, हम रही बात टाइलों की, आपका रही बात टाइलों साथियों ने टाइलों की बात की, तीनों साथियों ने टाइलों की बात की, आज मैं गर्व से ये बात बताना चाहता हूँ, अंबाला शहर हरियाणा का पहला शहर बनने जा रहा है, जिसकी 8 सेक्टर की केवल 2 सड़कें और 10 सेक्टर की 26 सड़कें बकाया हैं, और अगर इंटरलॉकिंग टाइलों में ये मेरी किसी किस्म की संलिप्तता बताते हैं, मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं,